एक बार मेरे साथ दूसरी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यू या क्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी वाले, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, कैसी तबीयत है? अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक है सर जी। अच्छा उस्ताद मोहतरम, कबूतर उड़ रहे हैं लेकिन वापसी में मुंह बहुत ज्यादा खोलते हैं। शाह जी, असल में ना यही बात अभी थोड़ी देर पहले ना दोस्त से हो रही थी। लोग कह रहे हैं जी कबूतर निकाले और बुलंदी पे नहीं जा रहे। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि लोग कबूतर बाहर निकालते हैं और चंद दिन बाद उनको खुराक देनी शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात है, जब कबूतर आके बैठता है घंटा दो घंटे उठता है तो उसको पानी आके रख देते हैं। जब तक कबूतर अपने जिस्म का पानी खुशक नहीं ना करेगा वो नहीं उड़ेगा। बाद कबूतर ऐसे हैं वो खुद ही बहुत ही पानी खुशक कर दे, वो कबूतर फास्ट होते हैं। और बाद कबूतर हैं उनको बनाना पड़ता है, वो फास्ट नहीं होते, मीडियम कबूतर होते हैं। तो वैसे ही हेल्दी कबूतर होते हैं, जरा गोश्त थोड़े होते हैं। तो कबूतर उड़ के आए तो उसे कम से कम इस तरह के कबूतर जो नहीं उड़ रहे उनको दो घंटे आप धूप में रखें या बाहर बैठा रहने दें। दो घंटे बाद उनको आप नोक लगवाएं, इंशाल्लाह ताला देखे तीसरे दिन वो जाता है सामान के नहीं जाता। जब थोड़ा सा वेट कम करेगा तो सामान जाएगा ना। उसके जिस्म का, उसके शोल्डरों का पानी खुशक होना चाहिए, उसके जिस्म का पानी खुशक होना चाहिए, इंशाल्लाह ताला वो मुंह भी खोलना छोड़ देगा और सामान भी जाएगा। उस्ताद जी, मुंह पानी खुशक करने का कोई तरीका भी बताए ना? पानी खुशक करने का इससे बड़ा तरीका ही कोई नहीं है कि धूप, उसको ज्यादा से ज्यादा धूप में रखे। उड़ के आने के बाद दो घंटे तक उसको पानी नहीं आपने पिलाना। सही सही, जो कम उड़े, जो ज्यादा उड़े उसे तो पानी पिलाना चाहिए, लेकिन जो कम उड़ रहे हैं कबूतर डेढ़ घंटा दो घंटे बस दो चार घंटे उड़ के बुलंदी नहीं पकड़ रहे, तो उनको आप जो है वो उसे धूप में रखें जितना ज्यादा हो सके ना उड़ के आने के बाद। वैसे तो धूप आप उसको डक्की वाले दिन या उसको दोपहर को लगवाते हैं, लेकिन जब उड़ के आए ना उसे सजा है उसकी कि उसको ना आपने दो घंटे धूप में रखना है। लेकिन तीसरे दिन या चौथे दिन इंशाल्लाह वो कबूतर उड़ जाएगा, टाइम करना शुरू कर देगा इंशाल्लाह। एक कबूतरी है मेरे पास या नर है, मेरा छोटा सा नजर का सवाल है, उसके जोड़ खुले हैं लेकिन वो शाम तक उड़ती है, इसकी क्या वजह? कि दोस्त कहते हैं, कई दोस्तों का मानना है कि खुले जोड़ों का कबूतर ज्यादा उड़ता नहीं है। नहीं शाह जी, खुले जोड़ बात का इस तरह है कि आपका जोड़ा है जी, कोई बच्चा है नीचे गिर गया है या किसी वजह से वीकनेस की वजह से बच्चे ग्रोथ जो है ना वो पूरी नहीं करते, तो वो जोड़ खुला हो जाता है। तो ज्यादा खुला जोड़ नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का खुला भी हो जाए, लेकिन जोड़ मैं कहता हूँ कि सीधा लटका हुआ जोड़ नहीं होना चाहिए और टाइट जोड़, सख्त जोड़ नहीं होना चाहिए चाहिए इसका। वो जोड़ जितना भी हो ना लचक वाला नरम जोड़ होना चाहिए, हड्डी के करीब तरीन होना चाहिए। पिछले दिनों में मुबशर खोखर साहब ने एक वीडियो में कहा है, तो मैं उनकी वीडियो का जवाब देने लगा हूँ कि वो उनके घर की कबूतरी है। उनके कितने उस मादी के बहन भाई, वो कह रहे हैं दो तीन साल से उड़ रही है और शाम तक गेट में भी उड़ रही है। अगर वो उसके दो तीन वो सीजन से उड़ रही है तो कितने उसके बहन भाई उस तरह के हैं जो उसी जोड़ उसी हड्डी के हैं, वो कितने बाजियों में उड़ रहे हैं? अगर तो उड़ रहे हैं तो फिर तो ये ठीक है जी, हमारा जो है ना वो तजर्बा नाकाम हो गया। और अगर वो नहीं उड़ रहे तो फिर देखें पता क्या बात है, जिस तरह से देखें एक इंसान है उसके चार बच्चे हैं, वो तीन हेल्दी हैं, एक थोड़ा सा कमजोर रह गया किसी वजह से रह गया, तो उसमें ब्लड लाइन वही है, वो उसका खून उसका वही है, उसकी रगों में भी खून वही है। जाहिर है जिस तरह वो होंगे दलेर होंगे या बुजदिल होंगे उसी तरह का वो होगा। तो वो उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि अगर आप बाजियां उड़ा रहे हैं आपके बाकी छह कबूतर अगर वो भी उसी तरह के उसी जिसामत के उसी जोड़ के हैं तो फिर तो हमारी कबूतरबाजी फेल हो गई है। तो अगर आपके दूसरे कबूतरों के जोड़ हड्डी के नजदीक हैं और जोड़ जो है ना तो ज्यादा खुले नहीं है, मिसाल के तौर पे बिल्कुल बंद जो जोड़ है मैं तो वो कहता हूँ बेकार कबूतर है, और हड्डी के नजदीक तरीन है जोड़ या वो देखें तो हल्का फुल्का खुला होना चाहिए जोड़ को। अगर उसी मादी के जोड़ उसी के जैसे हैं तो फिर देखें वो सही है मादी, अगर वो दूसरों के जोड़ तो फिर देखें वो आपके ब्लड लाइन अच्छी है और वो किसी वजह से जोड़ उसके खुले रह गए हैं की वजह से या हड्डी बचपन में ऐसी बीमारी। ये देखें अक्सरियत राय जिस तरह जमहूरियत
में अक्सियत होती है तो कबूतरबाजी में भी अक्सियत होती है। जिन लोगों के मेरा सारे लोग ये देख रहे हैं, ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं जो बात कह रहा हूँ, आप लोग ना मुझे छोड़ दें, आप अपने कबूतरों को पकड़ें जो आपके बाजियों में उड़े हैं, उनको देखें कि उनके जोड़ किस तरह के, उनकी हड्डी किस तरह की, उनके पर किस तरह के, उनके शोल्डर किस तरह के है। मैं एक बात और कहता हूँ कि ये जो जोड़ होता है इसका, कंधे का जोड़, ये जितना छोटा होगा उतना कबूतर ज्यादा देर पा होगा, ब्रीडर होगा, भागेगा नहीं। ये जो देखे ना पिछले आज से 20-25-30 साल पीछे चले जाएं, कबूतर इस तरह होते थे कि 7-8 साल 10-10 साल कबूतर उड़ते थे बाजियों में। अब वो कहाँ गए हैं? अब हर साल नए आ रहे हैं जी, वो 2-3 कबूतर पिछले वाले होते हैं, बाकी नए आ जाते हैं। ये असल में चीज है कि ये हमारी नाकामी है। हमारे कबूतर इस तरह के होने चाहिए, हमने इस तरह के बनाने हैं। हमें चाहिए वो 2-4 साल 5 साल उड़े कबूतर। देखे आप पिपला वालों के कबूतर देखे, वो अकमल खान साहब ने जितने भी उड़ाए हैं कबूतर उड़ा के जोड़ों में डाले, इसका मतलब वो कबूतर मजबूत है, नहीं भागते। और उनके कबूतर पकड़ के देखे, उनका हड्डी जोड़ किस तरह का है ये देखे। मैं ये नहीं कहता कि दूसरों के कबूतर अच्छे नहीं है, सारे सब लोगों के पास अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। देखे ना आज सारी दुनिया उनके कबूतरों को फॉलो कर रही है, उनके पीछे भाग रही है, और जहां जहां पे भी उनके कबूतर उड़े हैं उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। तो जो कबूतर देखे ना मैदान में, फर्ज कर ले एक प्लेयर है, वो नेट पे आपका क्रिकेट खेल रहा है, नेट पे वो बड़ा अच्छे स्टेट बैट से खेल रहा है, चौके छक्के भी लगा रहा है, जब मैच होता है वो जीरो पे आउट हो जाता है, तो प्लेयर तो वो है जो मैच में स्कोर करे। सही। तो इस तरह के जो कबूतर बाजी में परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसको देखें, कबूतर आपको सिखाएगा कि कबूतरबाजी क्या। अच्छा, जो कबूतर अच्छा टाइम कर रहा है, अच्छी परवाज दे रहा है, मेरी नजर में वो भी अपने अंदर एक उस्ताद है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है कबूतर। आप उसे बार-बार पकड़े, उसे सीखे, मेरी या दूसरों की बातों को छोड़े, अपने उड़े हुए कबूतर को देखे, उसमें क्या खुसूसियत है। इंशाल्लाह ताला आपको आधी कबूतरबाज, आधी से ज्यादा वो सिखा दे। हमारे बड़े अच्छे लेजेंड उस्ताद हैं मुबशर खोखर साहब, बड़े माशाल्लाह। हाँ नहीं, बड़े अच्छे, बड़े समझदार आदमी है, लेकिन उन्होंने बात क्लियर नहीं की कि उसी मादी के जोड़ खुले हैं और उसके बहन भाई, उसके बहन भाई अपनी बताया, सबके एक जैसे हैं। हाँ बिल्कुल, ये इसका साजिश का जरूर रिप्लाई दीजिएगा। हाँ जी, तो बड़ी चाह से उस्ताद जी ने आपसे सवाल, ये आप मेरी बात को बुरा मत मनाएं, मैंने ये एक सवाल किया है कि अगर तो दूसरे उसके बहन भाई भी या उसका माँ बाप भी इस तरह का, तो फिर मैं हो सकता मैं गलती पे हूँ, लेकिन इसकी वजाहत जरूर करिएगा। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, आपने बहुत अच्छी बात शेयर की, बहुत शुक्रिया जी आपका उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया। चैंपियन ग्रिड, आपके कीमती कबूतरों का रखे ख्याल, उड़ने वाले और जोड़ों वाले कबूतरों के लिए यकसा मथी मादियों में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, जो मादा अंडों से बंद है उसे भी शफा होगी। इसमें आंबा हल्दी शामिल है, जो मादा अंडा देने के बाद अपने पाँव पर खड़ी नहीं होती, ये उसके लिए बहुत मुफीद है। बिजली, बच्चे मुकम्मल सेहतमंद पलते हैं, गला खराब, बुखार, नजला, जुकाम को बेहतर करता है, सोखड़े वाले कबूतरों के लिए बहुत फायदेमंद है, बंद पोर्ट को खोलता है, कबूतर तो मुदाफत में बेपनाह इजाफा करता है, वायरस के जरासीम को खत्म करता है, बच्चों के जहरबाद के लिए बहुत मुफीद है। हफ्ता में 4 दिन कबूतरों के आगे रखें और पाएं महंगी दुआओं से छुटकारा। चैंपियन ग्रेट।